नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, सीडीपीओ का हमारा चैनल पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हमने आपको चार प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया। आज जो ये पाँचवें नंबर का है, ठीक है, ये द प्लेटफॉर्म का निकाला हुआ प्रैक्टिस सेट है और इसी से हम चला रहे हैं। आज का जो हमारा कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ होगा हमारा 102 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको पार करेंगे और उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ जो व्यवस्थित करना है, तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था, यह आया था 1928 में, राइट। अब बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव उसके बाद आया, ये कब आया, तो ये आया 1940 में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन आया, ये कब आया, ये आया 1942 में, ठीक है, और वेवेल योजना ये आया 1945 में। तो हमारा ये सही टर्म हो जाएगा, करेक्ट जो हमारा मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, सूची एक और सूची दो से मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही इस्तेमाल करना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका जो अगर बात करें, इसका कब स्थापना हुआ, तो 1885 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय जनसंघ, इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना हुआ था भैया 1951 में। फिर बात करते हैं भारतीय साम्यवादी दल, इसका स्थापना कब हुआ, ये हुआ 1925 में। और फिर अगर बात करते हैं AIDMK, ठीक है, AIDMK, इसका स्थापना हुआ 1972 में। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तीन नंबर देखते हैं, चलिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी जो बिजनेस मोनोपोली था ये खत्म कर दिया गया। तो ये आया था, देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया का मोनोपोली जो है बिजनेस में खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ छोड़ के। और फिर इसके बाद आया था 1833 का चार्टर, जिसके द्वारा ये भी सब कुछ खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश इंडिया को बोला गया आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, बिजनेस जो है दूसरी कंपनियां इंग्लैंड की संभाल लेंगी, ठीक है। चार नंबर देखते हैं, सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का मिलान करना है। तो यहाँ जो सही कूट की अगर हम बात करें, देखिए, बीडी सावरकर, इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करा था, इन्होंने कौन सा बुक, सॉरी, लिखा था, तो इन्होंने लिखा था द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आरसी मजूमदार, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा द रिबिलियन म्यूटनी द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक। एस बी चौधरी, इन्होंने क्या लिखा था, तो इंडियन म्यूटनी 1857, ये इन्होंने लिखा था। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं अशोक मेहता, तो इन्होंने क्या लिखा था, द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। सही कूट हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। चलिए नंबर फाइव देखते हैं, पांचवें नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पे ये बताना है कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ जो युग्म अगर हम बात करें, सुमेलित छोड़ के, सुमेलित युग्म की बात करें, तो केवल सी को छोड़ के जो है ना, सभी युग्म यहाँ पे सुमेलित है, यानी सी वाला जो है जनता की योजना विनोबा भावे, ये वाला छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारा मैच्ड है, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कथन पर विचार करना है। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा कथन, इसके कारण है, क्या कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। करेक्ट जो इसका हो जाएगा आंसर हमारा, करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ए सही लेकिन आर यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक। चलिए नंबर सात देखते हैं, सात नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र जो सबसे ज्यादा है वो है सोन नदी का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोन नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है। आठ नंबर, मलमपुज्झा बांध किस नदी पर अवस्थित है। मलमपुज्झा बांध, देखिए, मलमपुज्झा बांध जो है ना, ये मलमपुज्झा नदी पर अवस्थित है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ये केरल का सबसे बड़ा जलाशय मलमपुज्झा बांध है, ठीक है, और ये केरल में ही पाया जाता है, ऑब्वियस आप समझ ही गए होंगे। नौ नंबर देखते हैं, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। देखिए, चेरुथानी बांध की बात करें, ये है चिरुथानी नदी के ऊपर, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल के इडुक्की जिले में स्थित है चिरुथानी बांध, और ये चिरुथानी नदी पे ही बना हुआ है, राइट।
नंबर 10 देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है। देखिए चित्रकूट जलप्रपात की बात करें, ये है बस्तर जिले में, ठीक है, बस्तर में ही है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में ये गिना जाता है और ये बस्तर जिला में स्थित है, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी घाट का जो रिलेटेड अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे, देखिए यह एक ब्रोंज पर्वत है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद करते हैं, इसका पर्वतीय ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये सही बात है। और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों के तीनों एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर देखते हैं, E9 पहल किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इसका जो है रिलेशन जो है ना एडुकेशन से है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। रोपाई की जाने वाली जो फसल है इनमें से वो है धान, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे। देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये यूपी में है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। काली मिर्च और इलायची का उत्पादन जो करें, और यहाँ इलायची से ही अगर आप पता लगा लें तो कार्डमम पहाड़ियाँ और इलायची की खेती, ये सारे जो रिलेटेड है केरल से माई फ्रेंड, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 16 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए 16 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। तो जो सुमेलित की अगर बात करें जो नहीं है वो है, देखिए लौह अयस्क गुंटूर, ये बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है। गुंटूर आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र है और ये जो है ना इस डेल्टा का निर्माण कृष्णा नदी के द्वारा होता है, ठीक है। और याद रखें कि भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रम का कुडप्पा क्रम की अग्नेय चट्टानों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गड़बड़ है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट की प्रमुख प्रमुख भंडार नहीं है, लिग्नाइट की प्रमुख भंडार। तो उसकी अगर हम बात करें वो है भैया, देखिए झारखंड में लिग्नाइट की प्रमुख भंडार नहीं है, ठीक। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, क्या बोल रहा है। सूची एक यानी प्रकृति में प्राप्त पदार्थ और सूची दो तत्वों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ जो देखिए इसमें दिए गए कूट से अगर सही उत्तर का चयन करें तो हीरा बात करें तो ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इसको बोला जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं संगमरमर, ये जो है कैल्शियम का फॉर्म इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेत जो है भैया देखिए इसको सिलिकॉन का फॉर्म बोला जाता है। और माणिक्य यानी रूबी, ये देखिए एल्बुमिनियम ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट कूट वो बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 19 नंबर देखते हैं, लेम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। लेम्बोक, तो लेम्बोक जो है ये स्थित है बाली और लेम्बोक के बीच में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर हम देखते हैं, 20 में क्या बोल रहा है भाई, मिलान करना सूची एक से सूची दो के बीच में, ठीक है। चार्ड इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रमुख प्राथमिक निर्यातक जो है चार्ड ये है भैया देखिए पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाइजर किस चीज़ का प्राथमिक निर्यातक है, तो नाइजर है भैया देखिए यूरेनियम का प्राथमिक निर्यातक है। उसके बाद बात करते हैं रवांडा, ये जो है कहवा के लिए फेमस है काफ़ी, ठीक है। और बेनिन कपास के लिए, करेक्ट जो कूट हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूस के प्रमुख संसाधनों में है। रूस के प्रमुख संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कोयला हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 22 नंबर देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए। तो ये प्रसिद्ध है देखिए लौह अयस्क भंडार के लिए, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है उसकी बात करें, वो देखिए मालवा एशिया, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। मालवा गणराज्य जो है ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है, यह एक जो है लैंडलॉक देश है, ठीक है। और इसे पूर्व में इसके जो है न्यासलैंड भी इसको कहा जाता था, पहले इसको न्यासलैंड के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा ये जो है बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, क्या बोल रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, उसके बाद हमारा है ऑप्शन दमन और द्वीप है, दादा और नागर हवेली है, और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट जो है हमारा हो जाएगा, देखिए भैया क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार सबसे न्यून, ठीक है, न्यूनतम सबसे कम जनघनत्व जो है यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। 25 नंबर देखते हैं, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है कितना,
तो ये जो पहुंचने का अनुमान है ये है देखिए 575 मिलियन तक, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26, भारतीय संविधान का भाग 16 रिलेटेड है किससे? तो भारतीय संविधान का भाग 16 जो रिलेटेड है वो है देखिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, यानी कि डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। 27 नंबर देखते हैं, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में, कितने माह तक वो पड़ा रह सकता है? तो ये जो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है भैया देखिए 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता है, 3 माह जो है ये एक्सेस हो गया इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है भैया आर्टिकल 326, ए हमारा सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ जो सही उत्तर की हम बात कर दें तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो पी के थुंगन ये 1988 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। समितियाँ पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम बात करें अशोक मेहता तो ये आया था भैया देखिए 1977 में, अशोक मेहता। उसके बाद अगर हम बात करें बीआर मेहता तो ये भाई साहब आ गए थे ये 1957 में, ये समिति आई थी। और एलएम सिंघवी ये आया था 1986 में, यानी कि डी हमारा एब्सोल्यूट सही कूट हो जाएगा। चलिए नंबर 30 देखते हैं, लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है? तो ये जो सुधार किया जाता है भाई देखिए बिक्री कीमतों में वृद्धि पे, बिक्री मिश्रण में बदलाव को, और साथ ही साथ परिवर्तनशील लागत को कम करना, ठीक है। यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 31 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? गरीबी का सामाजिक सूचक जो नहीं समझा जाता है वो है देखिए परिवहन के साधनों की कम संख्या, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32, परिवहन संचार और वाणिज्य जिसके अंतर्गत आते हैं वो क्या है? तो ये जो है देखिए तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत ये आते हैं, परिवहन संचार और वाणिज्य, राइट। चलिए नंबर 33 देखते हैं, आयात कर भाई ये क्या है यहाँ बताना है? तो आयात कर जो है ये है एक तरीके का व्यापार की मात्रा को घटाता आयात कर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी जो है ना देखिए जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, सॉरी अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, वित्तीय मामले में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो ये सरकार का जो वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार जो होता है वो होता है देखिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी करेक्ट हो जाएगा। 36, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक जो है देखिए कहा जाता है एफ डब्ल्यू टेलर को, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है? देखिए दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, और इस दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि अच्छी होती है जबकि नजदीक वाला जो है हमारा विजन कमजोर होता है, ठीक है, और इस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से हमारा जहां करेक्ट कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक। 38 देखते हैं, नाभीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है किसका? तो ये जो प्रयोग जो है कारक है भैया अगर बात करें तो नाभीय ऊर्जा का प्रयोग जो है प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण सब में ये करा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 39, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो माध्यम आवश्यक नहीं है की बात करें वो है देखिए विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ए हमारा सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है ना, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरे नीले रंग प्रदान करता है? कांच को गहरा नीला रंग जो प्रदान करने की बात है वो करता है देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 42, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से जो विषाणु जनित रोग नहीं है उसकी बात हम करें तो है क्षय रोग एवं लिप्रेसी विषाणु जनित रोग नहीं है, राइट। देखिए लिप्रेसी और क्षय रोग ये विषाणु जनित नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43, जैविक और अजैविक संघटक के माध्यम बिचौलिया का कार्य करता है कौन? तो बिचौलियों का जो कार्य करने की बात करें तो ये करता है भैया देखिए उत्पादक, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 44 नंबर, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है?
तो ये जो क्षरण हो रहा है, देखिए ऊपरी वायुमंडल का ओजोन परत का जो क्षरण है निम्नलिखित में से जो है ना, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हेलॉन्स के कारण, इन दोनों के कारण हो रहा है, हेलॉन्स हो गया और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। अब 45 देखते हैं। M1 अपवर्तनांक के एक द्विउत्तल लेंस को M2 अपवर्तनांक के द्रव में, ठीक है, डुबोया जाता है, यह कार्य करेगा कैसा? तो ये जो कार्य करेगा, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भैया देखिए ये जो कार्य करेगा ना, ये कार्य करेगा M1, ठीक है, लेस देन M2 अपसारी लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 विलवनीकरण यानी डिसैलिनेशन क्या है? तो अगर डिसैलिनेशन की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करा जाता है, इसी को डिसैलिनेशन बोलते हैं। बी हमारा सही हो जाएगा। 47 रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु कितना है? देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो औसत आयु एवरेज एज की बात करें तो ये है भैया, देखिए अल्फा का व्युत्क्रम, ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं। जल न अम्लीय होता और ना ही क्षारीय, क्योंकि क्या होता है ये? तो यहाँ पे देखिए जल जो ना अम्लीय ना क्षारीय है वो इसलिए, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता, इसलिए ना अम्लीय और ना क्षारीय है, ए हमारा सही हो जाएगा। 49 हम देखते हैं। 49 क्या है? देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ मिलान की अगर हम बात करें, देखिए बंगाली समाचार पत्र और इसके प्रकाशक की बात करें, ठीक है, तो ये जो बंगाली समाचार पत्र है इसके प्रकाशक थे देखिए भैया सोमनाथ बनर्जी जी। कौन? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली पत्र के प्रकाशक थे। बंगवासी इसके जो है देखिए जोगेंद्रनाथ बोस, ठीक है, बंगवासी के, राइट। उसके बाद वंदे मातरम, ये इसका जो प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने किया था वंदे मातरम, और अमृत बाजार ये जो है मोतीलाल घोष ने करा था, ठीक है। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। अनामय पहल का जो मकसद है भाई देखिए ये है जनजातियों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना, सी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं। भारत का एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये जो की जा रही है देखिए बिहार के पटना में किया जा रहा है, ठीक है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, कौन नहीं डालेगा? तो प्रत्यक्ष प्रभाव जो नहीं डालेगा वो है देखिए सिंचाई, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है अगर उसके हम बात करें वो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, ये वाला गड़बड़ है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी जो पत्र है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में और इसके प्रकाशक थे फिरोज शाह मेहता, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 54 सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। तो यहाँ जो हमारा देखिए सही जो सूची हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लकुलिश ये पशुपति हो जाएगा, ठीक है, आचार और उनका सिद्धांत। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए नागार्जुन की बात करें तो ये शून्यवाद से इनका रिलेशन था। उसके बाद अगर हम बात करें तो भद्रबाहु ये जैन से इनका रिलेशन था, और मौखलिक पुत्र गोसाल इनका रिलेशन आजीवकों से था, तो बी हमारा यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। 55 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जो मतलब है वो है देखिए बुद्ध धर्म और संघ, बी हमारा सही हो जाएगा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है वो देखिए भीतरी अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय गड़बड़ है। भीतरी जो है गांव अभिलेख, ये गुप्त शासक स्कंद गुप्त का है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही हो जाएगा। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो की थी देखिए धर्मपाल ने, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 58 देखते हैं। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करना है। तो यहाँ सही कालानुक्रम के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा देखिए कौन, यशो वर्मा, ठीक है, 3 नंबर पहले, यानी कि उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद धंग हो जाएगा, उसके बाद विद्याधर हो जाएगा और फिर कीर्ति वर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 देखते हैं। निम्नलिखित घटना
घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो घटना इन पर विचार करें और कालानुक्रम अनुसार जो व्यवस्थित है और करें, तो हमारा देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझ जाइए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1892 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है, 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 1226 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करवा दी थी और दिल्ली का सुल्तान बना था। 1325 में जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर कर वापस लौट रहा था, तब इतिहासकार बदायूनी ने के अनुसार सुल्तान का पुत्र जौना खान ने षड्यंत्र पूर्वक तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगान में स्वागत समारोह में, ठीक है, बनाया गया लकड़ी का भवन को गिराकर सुल्तान ग्यासुद्दीन की इसने हत्या करवा दी थी। फिर 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो सही हमारा जो कूट होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सूची एक को सूची दो से मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जो है, ओके, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी कि 3421, ठीक है। तो सबसे पहले 3421 हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, फिर इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो 3421 है ना, रणथंभौर, हमीर देव, उसके बाद चित्तौड़, राणा रतन, देवगिरी, ठीक है, राजा रायचंद और गुजरात कर्णदेव, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। तो चिरागे दिल्ली जो कहा जाता है, ये कहा जाता है, देखिए, नसीरुद्दीन औलिया जी को। डी हमारा सही हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है ये चलाया था, देखिए, बाबर ने। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने जो है ना शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलवाया था, ठीक है। 63 नंबर देखते हैं, सूची एक को सूची दो से यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ जो मिलान करना है, देखिए सबसे पहले तो समझ जाइए, हम बात करते हैं अहोम विद्रोह, ये कब हुआ था। तो ये हुआ था, देखिए, 1828 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं झारखंड के, उसके बाद हम बात करते हैं कोल का, ठीक है। तो कोल विद्रोह जो है भाई, देखिए, ये हुआ था 1831-32 में। फिर देखिए संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था, और मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था। करेक्ट कूट हमारा ए हो जाएगा। 64 देखते हैं, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था। तो चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य नहीं था, वो था, देखिए, अनुग्रह नारायण जी। सी हमारा सही हो जाएगा। 65, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव जो है ये पड़ी थी, देखिए, पंजाब में। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ये 1872 में पंजाब के कूका लोगों द्वारा चलाया गया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु बाबा राम सिंह के द्वारा ये करा गया था, ठीक। 66 देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, सही युग्मों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से जो सही सुमेलित युग्म की बात करें नहीं है, वो स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, ये गड़बड़ है। स्थानीय स्वशासन जो 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, ना कि लिटन में। तो ए हमारा सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ जो इन घटनाओं पर विचार करें, तो नेहरू रिपोर्ट ये कब आया था, देखिए, ये आया था 1928 में। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, ठीक है, 1928। फिर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो ये हुआ था 1931 में, इसी के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जाने के लिए राजी हो गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था, तो ये भाई ये भी 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करें सांप्रदायिक निर्णय, ये कब हुआ था, ये 1932 में हुआ था, ठीक है, 1932 में। और फिर इसके बाद गांधी जी द्वितीय के बाद तो फिर कभी कांग्रेस का कोई नेता भाग ही नहीं लिया, ठीक है। तो सही जो हमारा यहाँ पे कूट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ठीक। चलिए 68, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु जो है, देखिए, सी आर दास थे, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक। बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69, देखिए ऑपरेशन रूबीकॉन का वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाता था। तो वो जो है बोलते थे जेल में गांधी के आमरण अनशन, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ जो मिलान की अगर हम बात करें, देखिए समाचार दर्पण ये हो जाएगा क्या, तो जेसी मैडिसन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। डी हमारा यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। ठीक, 71 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इन घटनाओं पे अगर हम विचार करें तो यहाँ पे देखिए देखिए, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्धिन्य, ये कब हुआ था? ये 1940 में होता है सांप्रदायिक निर्धिन्य। ठीक है, 1940 में। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण समझौता, ये कब होता? 1932 में। पूना समझौता है, सॉरी मैंने पूर्ण बोल दिया, पूना समझौता। ठीक है, तृतीय गोलमेज 1932 में। ठीक है, 1932 में तृतीय गोलमेज। और बात करें अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था? 1940 में ये आया था। ठीक है, 1940 में। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 72 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, क्या कहलाता है वो? तो भैया उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र, इपी सेंटर, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए सूचियों को सही मिलान करना है। तो यहाँ जो सूची दिया गया है, देखिए क्या है, गारो, तो गारो की अगर हम बात करें ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि गिरी रिलेटेड है अगर हम बात करें, सॉरी गारो जो है रिलेटेड है मेघालय से। ठीक है, उसके बाद बात करें गिरी रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोल्ली मलाई, तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु, और डालसा जो है झारखंड से। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति जो निवास कर रहे हैं, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 75 देखते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो घटता हुआ क्रम की बात करें विभिन्न मिट्टियों का, तो यहाँ पे ए वाला हमारा सही हो जाएगा, मृतिका, गाद और बालू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी मृतिका सबसे ज़्यादा पानी ग्रहण करती है, फिर गाद उससे कम, फिर बालू उससे भी कम। ठीक है, चलिए 76, खबरों में रहा डूम्स डे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? डूम्स डे ग्लेशियर जो है ये स्थित है अंटार्कटिका में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डूम्स डे ग्लेशियर अंटार्कटिका में। 77, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो भारत में धात्विक खनिज का जो प्रमुख स्रोत है वो है धारवाड़ समूह, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दी गई सूचियों का सही कूट से मिलान करना है। यहाँ जो है देखिए पेम्पाज, ये रिलेटेड है किससे? तो ये अर्जेंटीना से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पुस्टेज, ये हंगरी से रिलेटेड है पुस्टेज। ठीक है, उसके बाद वेल्ड्स की बात करें, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। ठीक है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक, चलिए 79 देखते हैं, जापान में निम्नलिखित चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से जो सही अनुक्रम हो जाएगा, देखिए होकाइडो, हेशु, शिकोकु, क्यूशु, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 80, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, यानी सबसे लेस है? तो ये है भैया देखिए राजस्थान में, बी करेक्ट हो जाएगा। 81, वर्ष 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो ये जो जनसंख्या में जिसमें कमी आई है वो आई है देखिए नागालैंड में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की जनसंख्या 2011 की तुलना में 2011 में 0.6% की जो है इसमें कमी दर्ज करी गई है। 82, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है। तो यहाँ जो कूट का सही मिलान हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब गुजरात, हमारा बी वाला कूट एकदम ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर, क्या बोल रहा है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? कितनी कितनी? तो ये हो सकती है देखिए 60 और 500, डी हमारा सही हो जाएगा। 84, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो युग्म सही सुमेलित अगर हम बात करें नहीं है, तो देखिए भ्रष्टाचार निरोधक निवारण अधिनियम, ये 1988 में आया था। ठीक है, ये 1988 में आया था भ्रष्टाचार निरोधक कानून। उसके बाद बात करें इस अधिनियम का उद्देश्य जो है क्या था, तो उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करना और उस पर नियंत्रण लगाना था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था। ठीक है, तो विशेष जांच एजेंसी की बात करें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, तो ये हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है, 1956 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ये संस्था विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 में आया। ठीक है,
तो हमारा जो है एक से अधिक यहाँ पे हो रहा है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं भैया देखिए मोरारजी देसाई, ए सही हो जाएगा। 86, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है क्या? उत्पादक कीमत सूचकांक की बात करें, ये मापता है देखिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 87, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पंजाब, डी करेक्ट हो जाएगा। 88, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है भाई साहब देखिए उत्तर प्रदेश ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित से कौन सा सट्टेबाज नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज में जो सट्टेबाज नहीं है वो है देखिए दलाल, ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दलाल इसमें सट्टेबाज नहीं है। 90, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति क्या है? तो इस पर आधारित युक्ति जो है वो है डायनमो, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 91, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसमें जो ऋणात्मक मान नहीं होता है वो है देखिए केल्विन पैमाने पे, सी करेक्ट हो जाएगा। 92, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? इनके वर्गों का अनुपात की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा देखिए 2:3, बी सही हो जाएगा। 93, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो शाकनाशी पदार्थ इसमें जो है वो है देखिए ब्यूटाक्लोर, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94, निम्नलिखित से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है? तो जैव निम्नकृत जो इनमें नहीं किया सकता है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए पीवीसी, डी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं, समुद्र घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है देखिए आयोडीन का, ए हमारा सही हो जाएगा। 96, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से अगर हम बात करें वो है देखिए एस्ट्रोजन, ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 97, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह जो सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें जो नहीं है, देखिए सबसे पहले तो विटामिन ए जो है गठिया रोग से रिलेटेड नहीं है, तो विटामिन ए गठिया रोग यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। गठिया रोग यूरिक एसिड के शरीर में अधिक स्त्राव से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 98, चलिए निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें तो देखिए एरिप्सिन निश्चेतक सुमेलित यहाँ पे नहीं है, अन्य जो जितने भी एरिस्पिन को छोड़ के ये वाला रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। 99 देखते हैं, एक सामान्य 70 केजी भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होता है लगभग कितना? तो इसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो देखिए 5000 मिलीलीटर होती है, यानी बी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि 5 लीटर बोल लीजिए, ठीक है। 100, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है? तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में जो विघटित करता है वो है देखिए पेप्सिन, ए सही हो जाएगा। 101, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही है? तो यहाँ जो कथन सही है कि अगर हम बात करें तो देखिए पहला कथन है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, दूसरा है जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियंत्रिक में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ दोनों हमारा सही है, सी हमारा सही हो जाएगा। 102, क्या बोल रहा है? देखिए मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम है इसको हम बोलते हैं गास्मर रेशम, सी हमारा सही हो जाएगा। 103, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं की बात करें वो है देखिए झूठा कंड यानी फॉल्स स्मार्ट जो जॉ में पाया जाने वाला रोग है ये यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। झूठा कंड यानी फॉल्स स्मार्ट जो है ये जॉ में पाया जाने वाला रोग ये कथन गलत है, फॉल्स स्मार्ट रोग जो है ये धान में पाया जाता है, ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 104, विट्रिफिकेशन का उपयोग किस में होता है? देखिए विट्रिफिकेशन का जो उपयोग होता है ये होता है देखिए नाभिकीय अवशिष्टि को स्थिर करने में, बी सही हो जाएगा। 105, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ट्राई जो है ये है भैया देखिए दूर संचार से रिलेटेड संस्था है, इसको यह नियमन करती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 106, द क्रिसमस पिग नामक बच्चे की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखा है ये देखिए जेके रॉलिंग ने लिखा है, डी करेक्ट हो जाएगा। 107, अब घटक किस पोषण स्तर के जीव है? अब घटक जो है देखिए ये पोषण स्तर 4 के जीव है, डी सही हो जाएगा। 108, एवोगाड्रो संख्या नंबर क्या है? तो एवोगाड्रो संख्या नंबर की अगर हम बात करें ये देखिए ये क्या है,
तो तत्वों के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या है, एनटीपी पर मिले लीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों को 1 मोल द्वारा आधारित कर देता है ये भी है, और एक पदार्थ एक के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, यानी डी हमारा हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, चलिए 109 देखते हैं। जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून क्या होता है, तो उनके शरीर में जो खून है ना बहुत तेज दबाव पर बहता है, ए हमारा सही हो जाएगा। सॉरी 110, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक वर्णवाद जो है डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो है ये वर्णवाद एक जो है ये देखिए स्ट्रगल कार एंटिक्स एवं वॉरियर्स पर रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ओवर प्रोडक्शन पर रिलेटेड है, उसके बाद बात करें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर रिलेटेड है, तो यहाँ हमारा देखिए ई हमारा हो जाएगा यानी कि 1 से अधिक। ठीक है, चलिए 111 देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर कौन है जिसे अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है, सर्जन जनरल जो है वो नियुक्त किया गया, देखिए विवेक मूर्ति जी को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय मूल के हैं। 112, नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है, ये इन्होंने किया देखिए ULA के साथ मिलकर, ULA के साथ नासा ने ULA के साथ मिलकर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर स्टार्ट करा है। ठीक है, ULA का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये अमेरिका का स्पेस क्राफ्ट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर संस्था है। ठीक है, 113, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है, तो ये जो चुना गया है ये देखिए प्रेम सिक्का जी को चुना गया है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 114 देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत के लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता शुरू की है, तो ये प्रतियोगिता शुरू किया गया देखिए mygov.in पे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 115, निम्न में से कौन सा संस्थान पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान करता है, तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान जो है ये प्रदान करता है देखिए रोटरी फाउंडेशन, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 116, निम्न में से किस संगठन ने ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित किया है, तो ध्रुवास्त्र जो है ये विकसित किया है देखिए DRDO ने। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, बी हमारा सही हो जाएगा। 117, निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है, तो ये विचार कर रहा है देखिए ग्रेट ब्रिटेन, डी हमारा सही हो जाएगा। 118, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, इसमें जो कथन सही की अगर हम बात करें तो देखिए पहला है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक खेला जाएगा, ओके। उसके बाद है प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दस्ते का आकार 24 खिलाड़ियों का था, सॉरी सही बात है, और दुबई अबू धाबी और धाबी और शाहजहां टूर्नामेंट आयोजन के 3 स्थान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक, चलिए 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, तो जो भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है वो है देखिए संस्कृत भाषा, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। 120, मांडू महोत्सव 2021 का थीम क्या था, तो मांडू महोत्सव 2021 का थीम है देखिए खोजने में खो जाओ, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 121, भारत का नया नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये इनकी जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के जो है नए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक हैं। 122, चलिए निम्नलिखित से किसे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार जीता है देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी डायट ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए भारत में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन कहाँ खोला गया है, तो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन जो है ये खोला गया देखिए न्यू दिल्ली में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति के एक हालिया फैसले में RBI ने पॉलिसी रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर परिवर्तित रखने का फैसला किया है, तो उन्होंने जो ये फैसला लिया है ये लिया है भैया देखिए 4% का, डी करेक्ट हो जाएगा। 125, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के डैश वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो इन्होंने जो है ना श्रीलंका के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 126, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशेष कोड टू विन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है देखिए निरुपमा यादव जी, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, देखिए हर वर्ष जो है ना 10 अगस्त को मनाया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 128, घरेलू रक्षा उत्पाद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है,
तो भारत ने जो है ना टोटल देखिए 101 रक्षा आयात वस्तु प्रतिबंध लगा दिया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 129 देखते हैं, निम्नलिखित से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया है देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के वर्ष का इतिहास है, तो ये जो रिलेटेड है ये है भैया देखिए एम के वेंकैया नायडू के रिलेटेड से, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 किस देश ने स्पेस फोर्स को गार्जियंस नाम दिया है, तो ये गार्जियंस नाम दिया है किसने, तो रशिया ने, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, रशिया ने स्पेस फोर्स को गार्जियन नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 132 किस स्वास्थ्य व प्रदाता के साथ अटल इनोवेशन मिशन एम नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवचारों और परिणामों में बदलने और सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंस्टेट सॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह हस्ताक्षर किया है देखिए किसने, एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं क्या है, 8 से 10 मार्च 2021 के बीच भारतीय नौसेना पोत सुमेधा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोगल की यात्रा पर थी, मोगल बंदरगाह शहर किस देश में स्थित है, तो ये जो है देखिए ये रिलेटेड है बांग्लादेश से, सी करेक्ट हो जाएगा। 134 चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था, तो उनके जन्म का नाम की बात करें तो वो था देखिए जेठा, ये करेक्ट हो जाएगा। 135 देखते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, देखिए इसका निर्माण जो है देखिए गार्डेनरिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने करा है, ये हमारा सही हो जाएगा। 136 देखते हैं क्या है, देखिए 136 है किस राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी और इजरायली बैटरी डेवलपमेंट फिनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम को औपचारिक रूप दिया है, तो ये जो औपचारिक रूप दिया है ये दिया देखिए भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOC ने। 137 टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देश की समीक्षा है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके अध्यक्ष में एक समिति गठित की है, किसके अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है, तो ये गठन किया गया देखिए शशि शेखर वेम्पति के अध्यक्षता में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 138 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाला सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी जो बन गए हैं देखिए कार्लोस अल्कारेज बन गए हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित इससे रिलेटेड नहीं है, तो चंपारण आंदोलन की बात करें इससे रिलेटेड देखिए नहीं है, वो है देखिए जयप्रकाश नारायण जी, डी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से, अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण आंदोलन से, और जेबी कृपनारायण चंपारण आंदोलन से, ये सारे रिलेटेड हैं, जयप्रकाश नारायण नहीं है, ठीक। 140 यस चंपारण आंदोलन से, चलिए सॉरी ये तो हो गया 140 है ना, क्या बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, तो ये जो हिस्सा अगर हम बात करें ये था देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का। 141 बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रिचनी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 1882 में, ठीक। 142 बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो इन पे जो है ना प्रभाव जो पड़ता है वो है देखिए हिमालय की अवस्थिति का, कर्क रेखा से दूरी का, और बंगाली खाड़ी में इसकी निकटता का, तो डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। 143 ताल की मिट्टी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्या, तो ताल की मिट्टी की फसल के जो उपयुक्त मानी जाती है वो देखिए रबी की फसल, बी हमारा सही हो जाएगा। 144 त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी नहर जो है ये बना हुआ है कहाँ, तो ये बना हुआ है देखिए गंडक नदी पर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्रिवेणी नहर गंडक नदी बना हुआ है और कहाँ पे है, तो ये चंपारण जिले में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में, ठीक है। चलिए 145 देखते हैं निम्नलिखित से कौन सी नदी गंगा के में दाहिने ओर मिलती है, गंगा में दाहिने ओर जो मिलने वाली नदी की बात करें, सोन और बेतवा नदी जो है ना गंगा में दाहिने ओर मिलती है, ठीक है, सोन और बेतवा, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 146 बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है वह है देखिए पूर्णिया, डी हमारा सही हो जाएगा, पूर्णिया जिला सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है बिहार में। 147 गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिला में है, तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है यह देखिए गया में, कहाँ, गया में, ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 148 क्या बोल रहा है, देखिए पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी,
तो इसकी स्थापना जो बात करें वो हुई था देखिए 1969 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं, बिहार में सूची एक को सूची दो से मिलाना है, यानी खनिज और प्राप्ति स्थानों को मिलान करना है, ठीक है। देखिए अभ्रक बिहार में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कि गया में, ठीक है। स्वर्ण कहाँ मिलता है, तो स्वर्ण यानी सोना ये मिलता है मुंगेर में। उसके बाद बात करें डोलोमाइट ये कहाँ मिलता है, तो ये देखिए रोहतास में मिलता है, और पेट्रोलियम किशनगंज में। तो हमारा जो करेक्ट अगर हम कूट की बात करें तो करेक्ट कूट हमारा इसमें हो जाएगा देखिए सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारा देखते हैं 150, पायराइट फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिले में है, तो बिहार में जो है ना ये देखिए रोहतास जिले में है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गाइज ये था हमारा सेट नंबर 5, उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया होगा, इसका कट ऑफ 101 नंबर दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी पार किया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।